बहुत सालों पहले परिदेश में एक फैशन चल रहा था। सभी परियां अपनी शादी के दिन जादुई फ्रॉक पहनकर दुल्हन बनती थी। उन्हीं दिनों परिदेश में सौम्या नाम की एक गरीब परी रहती थी। अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले सौम्या परी परिदेश में जादुई फ्रॉक बनाने वाली नम्रता परी की दुकान पर पहुंचती है। आंटी, मैं अपनी जादुई फ्रॉक लेने आई हूँ, कल मेरी शादी है। बेटी, मैंने तुम्हारी फ्रॉक तैयार कर दी है, ये देखो। नम्रता सौम्या को फ्रॉक दिखाने लगती है। तभी वहाँ रानी परी की बेटी नीलम परी अपनी सहेली विशाखा परी के साथ आ जाती है। नम्रता के हाथ से फ्रॉक लेकर नीलम खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर है, कल मेरी शादी में मैं इसी फ्रॉक को पहनूंगी। लेकिन राजकुमारी जी, आपको पहले ही ऑर्डर देना चाहिए था, ये फ्रॉक तो मैंने सौम्या के ऑर्डर पर बनाई है। मैं तुम्हें इस फ्रॉक की दुगनी कीमत दूंगी, चलो इसी वक्त मुझे ये दे दो। नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं हो सकता, बेचारी सौम्या इस फ्रॉक को खरीदने के लिए कई महीनों से मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी। मैं अपने काम के साथ बेईमानी नहीं कर सकती, इसीलिए ये फ्रॉक तो मैं सौम्या को ही दूंगी। ये लो बेटी, तुम्हारी फ्रॉक। इतना कहकर नम्रता परी सौम्या को फ्रॉक दे देती है। उसके बाद सौम्या परी खुश होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फ्रॉक न मिलने से नीलम परी को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी भी कीमत पर फ्रॉक हासिल करने का मन बना लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी शादी में यही जादुई फ्रॉक पहनूंगी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अभी उस गरीब परी की पिटाई करके उससे ये फ्रॉक छीन लूंगी। नहीं नहीं नीला, मैं ऐसी गलती मत करना, वो तुम्हें पहचान लेगी और रानी जी से शिकायत कर देगी। देखो, उस फ्रॉक को हासिल करने का मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। तुम्हारे महल के तहखाने में एक बहुत ही खूनखार चुड़ैल कैद है, तुम उस चुड़ैल के जरिए अपना ये काम करवा सकती हो, इससे तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। विशाखा की बात सुनकर नीलम परी खुश हो जाती है। उसके बाद नीलम परी महल के तहखाने में जाकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। देख चुड़ैल, मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में मेरी माँ तुझे फांसी पर लटका कर जान से मार देगी, लेकिन मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर सकती हूँ, बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ राजकुमारी जी, बताइए मुझे क्या करना होगा, आजाद होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद नीलम परी चुड़ैल को सारी बात समझाकर उसे तहखाने से बाहर निकाल देती है। फिर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई सौम्या परी के घर पहुंच जाती है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह अपनी जादुई फ्रॉक मुझे दे दे। लेकिन तुम तो एक चुड़ैल हो, मेरी जादुई फ्रॉक का तुम क्या करोगी? बेकार के सवाल नहीं, जितना कहती हूँ उतना कर, चल जल्दी से अपनी जादुई फ्रॉक मुझे दे दे, मेरे पास समय नहीं है। कल मेरी शादी है, मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके अपनी जादुई फ्रॉक खरीदी है, मैं तुम्हें अपनी फ्रॉक नहीं दूंगी। इतना कहकर सौम्या परी अपनी फ्रॉक लेकर वहाँ से भाग निकलती है। ये देख चुड़ैल गुस्से से तिलमिला जाती है और सौम्या का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में चुड़ैल सौम्या को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो। तभी वहां से गुजर रही रानी परी सौम्या की आवाज सुन लेती है और फौरन उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाती है। अरे ये चुड़ैल तो मेरे तहखाने में बनती, अचानक ये आजाद कैसे हो गई? रानी परी को देखते ही चुड़ैल घबराकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर चुड़ैल को जंजीरों में जकड़ देती है। मेरी कैद से भाग कर तू यहाँ मासूम की जान लेने आई है, मैं तुझे इसी वक्त जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, मुझे कुछ मत करना, ये सब मैंने आपकी बेटी के कहने पर किया है। फिर चुड़ैल रानी परी को नीलम के इरादों के बारे में सब बता देती है। रानी परी को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चुड़ैल के साथ साथ अपनी बेटी को भी तहखाने में बंद कर देती है। नीलम, तूने राजकुमारी होने का गलत फायदा उठाया है, अब मैं तुझे सजा दूंगी ताकि जीवन में तू दोबारा ऐसी गलती ना कर सके।
अब तो इस तहखाने में पूरे 6 महीने तक कैद रहेगी। नीलम परी रानी परी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन रानी परी अपना इरादा नहीं बदलती। उधर दूसरी तरफ रानी परी सौम्या परी को ढेर सारे सोने के सिक्के और गहने देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सौम्या परी शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक जादुई नेल पॉलिश का घर हुआ करता था। उस घर में सबकी मदद करने वाली सपना नाम की एक दयालु परी रहती थी। फिर एक दिन सपना परी पृथ्वी के बगीचे की ओर जा रही थी कि तभी उसे खेत में बहुत सारी लड़कियां उदास बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये देख सपना परी उन सभी लड़कियों के पास जाकर उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगती है। क्या हुआ, तुम सब इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो, आखिर क्या बात है? हम सब ने दिन रात मेहनत करके खेत में फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन हमारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखो खेत में अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। हम सब के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, लगता है हम सबको भूखे ही मरना पड़ेगा। इन लड़कियों की दुख भरी बातें सुनकर सपना परी को बहुत बुरा लगता है और वो उन सब की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद सपना परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर वहां पर ढेर सारी छतरी प्रकट कर देती है। अब ये जादुई छतरियां हम सबको हवा में उड़ाकर मेरे घर ले जाएंगी, चलो मेरे साथ। उसके बाद सभी लड़कियां एक एक छतरी उठा लेती हैं और अगले ही पल सभी लड़कियां हवा में उड़ती हुई सपना परी के पीछे पीछे जाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सपना परी उन सभी लड़कियों के साथ बादलों के ऊपर बने अपने जादुई नेल पॉलिश के घर पर पहुंच जाती है। फिर सपना परी उन सभी लड़कियों को खाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान देती है। ये देख सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और पेट भर खाना खाती हैं। हमें इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। क्या आप हमारी घर वालों के लिए भी थोड़ा सा खाना दे सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद सपना परी सभी लड़कियों को खाने से भरी एक थैली पकड़ा देती है और साथ ही उन्हें कुछ जादुई बीन्स भी देते हुए कहती है, इन जादुई बीजों को ले जाकर तुम सब अपने घरों के आंगन में इन्हें दबा देना। उसके बाद वहां तरह तरह के जादुई फलों के पेड़ उगाएंगे। फिर तुम सब उन फलों को बेचना शुरू कर देना, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे वाह, आपने तो हमारी सारी समस्या ही खत्म कर दी, सच में आप बहुत अच्छी हो। अब तुम सब अपने घर जाओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जादुई छतरी के सहारे उड़कर यहाँ आ जाना, मैं तुम सबकी मदद करूंगी। फिर सभी लड़कियां सपना परी का धन्यवाद कर अपने अपने घर लौट जाती हैं। उसी शाम सभी लड़कियां अपने घर के आंगन में जादुई बीजों को दबा देती हैं और देखते ही देखते सभी लड़कियों के घरों में ढेर सारे जादुई फलों के पेड़ उग जाते हैं। ये देख सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। अगले दिन से वो सभी लड़कियां जादुई फलों को ले जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह कुछ ही समय में वो सभी लड़कियां ढेर सारे पैसे कमाकर अमीर बन जाती हैं, जिससे उनके घर पर सुख सुविधा की सारी चीजें आ जाती है और उनके जीवन में दुख को सुदूर चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में निकिता नाम की एक लालची औरत रहती थी। अचानक गांव वालों को अमीर बनते देख निकिता को बहुत जलन होती है। फिर एक दिन निकिता लड़कियों से बादलों में रहने वाली सपना परी के बारे में सब जान लेती है। मुझे अपनी जादूगरनी सहेली की मदद लेकर उस परी के जादुई नेल पॉलिश घर पर कब्जा करना होगा। फिर उस घर की शक्तियों से मैं इस पूरे इलाके की सबसे ताकतवर औरत बन जाऊंगी और साथ ही मेरे पास ढेर सारी दौलत भी आ जाएगी। फिर अगले ही दिन निकिता अपनी जादूगरनी सहेली को सारी बात बता देती है। उसके बाद जादूगरनी निकिता को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठा कर हवा में उड़ाती हुई सपना परी के जादुई नेल पॉलिश घर के सामने पहुँच जाती है।
अरे वाह, ये नेल पॉलिश से बना घर तो बहुत ही सुंदर है। अब इस जादुई घर पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। चल निकिता, अब मैं तुझे नीचे फेंकने वाली हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। जादूगरनी की धोखेबाजी देख निकिता को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है। हाय, मर गई रे, मार डाला मुझे, बचाओ कोई, मुझे बचाओ। तभी जादुई झाड़ू का संतुलन बिगड़ जाता है और वो दोनों आसमान से सीधे पहाड़ की चोटी पर जा गिरते हैं। वहां गिरते ही दोनों के सर पत्थर से टकरा जाते हैं और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन दोनों को उनके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले मजे से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी समुद्र में नैना और सुनैना नाम की दो जलपरी बहनें रहती थी। नैना जलपरी सोने से बने मेकअप घर में रहती थी और वही दूसरी तरफ सुनैना जलपरी चांदी से बने मेकअप के घर में रहती थी। सुनैना जलपरी बहुत ही मीठे स्वभाव की, साथ साथ वो हमेशा सभी की मदद किया करती थी। लेकिन नैना जलपरी बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वो हर बात में सिर्फ अपना फायदा देखा करती थी। इस तरह एक दिन सुनैना जलपरी एक औरत को लेकर समुन्दर में आती है। उस औरत का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, साथ ही उसके सर के सारे बाल गायब थे। सुनैना जलपरी फौरन अपने चांदी के बने घर से जादुई मेकअप लाकर उस औरत के चेहरे पर लगा देती है और अगले ही पल वो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद सुनैना जलपरी अपनी बहन नैना के पास जाकर उससे जादुई क्रीम मांगने लगती है। नैना, मैं अपने साथ एक दुखी औरत को लेकर आई हूँ। उसकी जालिम सास ने उसके चेहरे के साथ साथ उसके बालों को भी जला दिया था। मैंने अपने जादुई मेकअप से उसका चेहरा तो खूबसूरत बना दिया है, लेकिन उसके बाल उगने के लिए मुझे तुम्हारे जादुई क्रीम की जरूरत है। ये सुनते ही नैना जलपरी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। देख, मैंने राह चलते भिखारियों को खूबसूरत बनाने का ठेका नहीं ले रखा है, समझ गई ना? मैं तुझे अपनी जादुई क्रीम नहीं दूंगी, चल निकल जा यहाँ से। सुनैना जलपरी अपनी बहन से बहुत मन्नतें करती है, लेकिन नैना जलपरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद उदास होकर सुनैना जलपरी अपने घर लौट जाती है और उस औरत से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सर पर नए बाल नहीं ला सकती। कोई बात नहीं, तुमने मेरे चेहरे को खूबसूरत बना दिया, मेरे लिए यही बहुत है। उसके बाद वो औरत सुनैना जलपरी का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। इस तरह सुनैना जलपरी को कोई भी परेशानी में दिखाई देता तो सुनैना जलपरी उसे अपने जादुई मेकअप के घर में लाकर उसकी मदद किया करती थी। फिर एक दिन सुनैना जलपरी समुन्दर के किनारे टहल रही थी, तभी उसे वहां एक काली बदसूरत लड़की रोते हुए दिखाई देती है। अरे बेचारी बहुत दुखी लग रही है, अभी जाकर इसके रोने का कारण पूछती हूँ। उसके बाद सुनैना जलपरी उस लड़की के पास पहुँच जाती है। सुनो, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, आखिर तुम्हें क्या दुख है? क्या बताऊँ जलपरी दीदी, मेरे काले रंग और मेरे छोटी हाइट की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़के मुझे देखने आते हैं वो मुझे नापसंद करके चले जाते हैं। इस वजह से मेरे माता पिता हमेशा दुखी रहते हैं, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं अपनी बुरी किस्मत पर अफसोस करके रो रही हूँ। उसके बाद सुनैना जलपरी उस लड़की को अपनी चांदी से बने मेकअप घर में ले जाती है। फिर सुनैना जलपरी अपने मेकअप बॉक्स से एक जादुई मछली निकालकर उस लड़की को खिला देती है। मछली को खाते ही उस लड़की का काला रंग पूरी तरह दूर हो जाता है और वो परियों की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। अब मुझे तुम्हारी हाइट बढ़ाना है, ठहरो मैं अभी आती हूँ। फिर सुनैना जलपरी अपनी बहन नैना से हाइट बढ़ाने वाले जादुई कैप्सूल मांगने लगती है। उस समय नैना जलपरी अपने घर पर नहीं थी, तभी टेबल के ऊपर उसे हाइट बढ़ाने वाली जादुई कैप्सूल दिखाई देती है।
सुनैना जलपरी फौरन उस कैप्सूल को उठाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सुनैना जादुई कैप्सूल उस लड़की को खिला देती है। कैप्सूल खाते ही लड़की की हाइट एक मॉडल की तरह लंबी हो जाती है और इससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। सच में तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह सुनैना जलपरी का शुक्रिया अदा कर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब नैना जलपरी अपने घर वापस आती है तो सुनैना जलपरी उसे सारी बात बता देती है। मेरी इजाजत के बिना तूने मेरी जादुई कैप्सूल को हाथ कैसे लगाया? अब मैं तुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल तू इसी वक्त समुन्दर छोड़कर भाग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ ने मरते समय कहा था कि तुम दोनों कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। देख, मैं तेरी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कह दिया ना कि मैं अब तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसीलिए इसी वक्त यहाँ से निकल जा। उसके बाद नैना जलपरी सुनैना को जबरदस्ती वहाँ से भगा देती है। बेचारी सुनैना जलपरी दुखी होकर अपने चांदी के मेकअप घर को लेकर हमेशा के लिए समुन्दर छोड़ देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस समुन्दर में एक बुरी जादूगरनी सैर करने आती है। तभी उसकी नजर नैना जलपरी और उसके जादुई सोने के मेकअप घर पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो सोने का जादुई मेकअप घर है। अब मैं इस जलपरी को मार कर इसका घर अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद जादूगरनी नैना जलपरी पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अब तेरी मौत के बाद तेरा ये जादुई मेकअप का घर मेरा हो जाएगा, चल मरने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? काश यहाँ मेरी बहन होती तो हम दोनों मिलकर इस जादूगरनी को सबक सिखा देते। मैंने अपनी बहन को यहाँ से भगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सोचकर नैना जलपरी जोर जोर से रोने लगती है। जादूगरनी अपनी तलवार उठाकर नैना जलपरी की गर्दन पर लगा देती है। लेकिन तभी वहाँ सुनैना जलपरी आ जाती है। सुनैना अपने जादुई मेकअप के घर से चांदी का जादुई पाउडर निकालकर जादूगरनी के ऊपर डाल देती है और अगले ही पल जादूगरनी तड़पने लगती है। अरे ये अचानक मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते जादूगरनी का शरीर बर्फ के रूप में बदल जाता है। उसके बाद सुनैना जलपरी हथौड़े से वार करके बर्फ से बनी जादूगरनी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इस तरह उस जादूगरनी का खात्मा हो जाता है। उसके बाद नैना अपनी बहन से अपने किए की माफी मांग लेती है। सुनैना जलपरी भी अपनी बहन को माफ कर देती है। फिर उस दिन के बाद से उन दोनों बहनों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों लोगों की मदद करते हुए खुशी से रहने लगती हैं।